Hello students, how are you? I am Bhakarchi Kiran English teachers. Dear students, आपके English second में direct और देखिए direct indirect में आपके चल रहे हैं imperative sentence. ठीक है, और imperative sentence चल रहे हैं आपके let वाले वाक्य. तो कल मैंने let वाले वाक्यों का ए पार्ट कराया था, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. मैं आपको बिल्कुल सेपरेटली और बिल्कुल नियम अनुसार चल रहा हूँ कि आपके जो समझ में ये जितनी पढ़ाई करा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से जाए, है ना. पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रही है आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो आज उसका हम बी पार्ट कराएंगे. ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें. ओके, कम टू द पॉइंट. सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड, टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. इंपरेटिव सेंटेंस चल रहे हैं. ठीक है, लेट वाले वाक्य. कल मैंने इसके पार्ट ए करा दिया था. पार्ट ए में क्या था, लेटर्स एक साथ आते थे तो तब हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बी शुड या दे शुड का यूज करते थे ना, दैट बी शुड या दैट दी शुड का यूज करते थे. लेकिन आज इस पार्ट बी में, इसलिए मैंने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अलग अलग कराए हैं. दोनों ही वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से, कल पार्ट ए को आप समझ गए होंगे, आज इस पार्ट बी को समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ध्यान से. बस एक से दो बार अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. चाहे लेटस हो या लेट के बाद कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन हो. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना. देखिए बी, वे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात, यानी कि लेट के पश्चात या लेट के बाद अस के स्थान पर, हमने बी में कराया, ए में कराया था ना लेटस, लेकिन अब इसमें बी में क्या हो रहा है, अस के पश्चात यानी कि अस के स्थान पर या अस के बाद, है ना, लेट के पश्चात या लेट के बाद अस के स्थान पर कोई अन्य प्रोनाउन या नाउन जैसे मी, him, her, अथवा राम आदि आते हैं ऐसे वाक्यों में. नंबर एक, देखिए ऐसे वाक्यों में क्या होगा. नंबर एक, पूर्व की तरह भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को, जैसे हमने पहले पीछे करके आए हैं, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, ordered, ठीक है, requested, या अर्ग में बदल दिया जाता है. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, अब देखिए नंबर टू, रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब, किसकी, रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब लेट के पहले यानी कि लेट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है. क्या करेंगे, रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब जो लेट होती है उससे पहले हम टू का प्रयोग करेंगे. कब, जब लेटस के स्थान पर यानी कि अस के स्थान पर, लेट के बाद और अस के स्थान पर, यानी कि अस नहीं होगा, अस की जगह क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, तो तब हम लेट से पहले टू का यूज करेंगे. ठीक है, टू का प्रयोग करेंगे. जैसे आप देखिए एग्जाम्पल डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट मी गो सर, इनवर्टेड कॉमा क्लोज. अब देखिए लेट की जगह अस नहीं आया, मी आया प्रोनाउन. ठीक है, तो मी आया ना, तो अब इसकी इनडायरेक्ट देखना. इनडायरेक्ट है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, देखिए लेट से पहले आ गया टू, है ना, तो टू लेट इन गो. ओके, अंडरस्टैंड. अब देखिए सेकंड डायरेक्ट, इनवर्टेड कॉमा में है, लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा.
क्लोज सेड द कमांडर फुल स्टॉप। इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा द कमांडर ऑर्डर टू लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन। ओके आपको है स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना है क्योंकि इसको मैं प्रत्येक पार्ट एंड पार्ट पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेट अस और लेट के बाद जो कोई नाउन या प्रोनाउन होता तब इसमें हर जगह चेंजिंग होता है क्योंकि लेटेस्ट वालों में हमने कंजक्शन दैट का यूज किया और अब क्या हो रहा है टू का यूज हो रहा है। लेट से पहले टू का यूज हो रहा है कब जब अस के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन हो। ठीक है अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल है डायरेक्ट द टीचर सेड ओमन कॉमा मोहन कॉमा लेट दिस बॉय ट्राई नेक्स्ट फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए स्क्रीन टाइप हो जाएगी द टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू लेट दैट बॉय ट्राई नेक्स्ट। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बहुत सिंपल है बस थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना है और इसे अंडरस्टैंड करके इस वीडियो को देखकर एक बार बुक को पढ़कर उसकी एक्सरसाइज अगर आपने कर ली है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कम से कम 6 महीने तक तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। अगर इस बीच में एक दो बार आपने इसे रिवाइज कर लिया मात्र आधे घंटे के लिए तो समझो आपके माइंड में ये स्थायी रूप से परमानेंटली सेट हो जाएगा। ओके देखिए एग्जांपल नंबर 4 द डॉक्टर सेड टू मी कॉमा डॉक्टर कॉमा लेट योर पेशेंट स्लीप फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तब देखिए इनडायरेक्ट हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज मी टू लेट माय पेशेंट स्लीप। कहीं कोई प्रॉब्लम नथिंग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को दो बार देख लिया ना दो तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आप एक से दो बार इसे देख लें और इसे देखकर एक बार इसे अपनी नोटबुक में कंटिन्यू ये सब नोट करते चलना आपको। अगर आप इसे नोट करते चल रहे हैं तो आपको कहीं कोई ट्यूशन व्यूशन या कहीं भी कोई अदरवाइज कहीं से भी एजुकेशन प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ बस वही आपको करना है और आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके लेट वाले सेंटेंस आज कंप्लीट हो गए हैं और इसकी एक्सरसाइज और कर लेना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके ठीक है तो डू देयर बेस्ट एंड टेक केयर। गुड बाय।